उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के टोंसा में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत की दुखद खबर से लोग अभी उभर ही नहीं पाए थे कि कानपुर जिले के सार थाना क्षेत्र अंतर्गत भीषण सड़क हादसे में 21 महिलाओं सहित 25 श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। हादसे की खबर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मरने वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घायलों को उपचार बेहतर तरीके से कराया जाए। बताया जा रहा है कि कानपुर में सार थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हुई ट्रैक्टर ट्रॉली फतेहपुर जिले में स्थित चंद्रिका देवी मंदिर से 40 लोगों को लेकर वापस कोठा गांव जा रही थी, तभी एक गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक तालाब में गिर गई। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर गांव वाले दुर्घटना स्थल पहुंचे और तालाब में गिरे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। हादसे की सूचना के बाद पुलिस के आला अफसर और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। हादसे में 25 लोगों के मरने की खबर मिली है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली की गति अधिक होने की वजह से ट्रैक्टर का चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे सड़क के किनारे तालाब में गिर गई। आपको बता दें कि एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 सड़क दुर्घटनाओं में 35 श्रद्धालुओं के मरने की खबर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारी ढोने में ना करें बल्कि कृषि कार्यों के लिए किया जाए। दोनों सड़क हादसों में मरने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है। पानी में 26 लोगों की इसमें जो टीम है जो बाकी जो घायल लोग हैं उनको हेलमेट